परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पहला तिमोथियुस 4:1 में लिखा हुआ है। पूरा वीडियो देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या पता आखिरी दिन आपका भी हो सकता है और मेरा भी हो सकता है। आज मसीहत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आज मसीही चंगाई के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और पैसों के पीछे भाग रहे हैं और वे अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। बस चंगाई मिल जाए और हमारा उद्धार हुआ हो या ना हुआ हो। मेरी बात को याद रखना, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में जाना पड़ जाएगा। मेरी बात को याद रखना, जिस दिन अचानक आपकी आँखें बंद हो गई, डेथ हो गई, और उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। यहेजकेल 18:23 में लिखा हुआ है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि दुष्ट अपना बुरा मार्ग छोड़कर फिरकर जीवित रहे? यहोवा परमेश्वर ने कहा है, मैं मनुष्य के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, इससे कि दुष्ट मनुष्य अपना बुरा काम छोड़कर, गलत रास्ता छोड़कर अपना मन फिरा ले, तब वह जीवित रहेगा। परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो, वे बल्कि सभी को मन फिराने का अवसर दिया जाए और सब मन फिरा के विश्वास करके उद्धार पाएं और स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, देखिए जो लड़कियाँ डांस करती हैं डीजे पर और वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती हैं बना के, देखिए परमेश्वर आपका नाच कूद देखने के लिए स्वर्ग में नहीं बैठा है। स्वर्ग में डांस करके नाच कूद करके स्वर्ग में नहीं चली जाओगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये गलत फहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल देना, क्योंकि न्याय परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परमेश्वर दयालु और दयावंत परमेश्वर और न्याय भी परमेश्वर है, याद रखना इस बात को। उस 7 वर्ष में आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। यहाँ पर रह गए तो यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाओगे, इसलिए यीशु के साथ रैप्चर में जरूर चले जाना, वरना गई भैंस पानी में भैया। जब परमेश्वर ने पांचों स्वर्गदूतों को यह आज्ञा देगा कि जा अपनी पांचवी तुरही फूंक, जो मनुष्य गलती से यहाँ रह गए हैं उनको मेरे क्रोध का पता तो चले, जैसे प्रकाशित हुआ कि 9:1 में लिखा हुआ है। आँख खोल कर इस वीडियो को पूरा देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो आगे होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। और जब पांचवा स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ की हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, तड़पाने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसा मानो बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। आपको 5 महीने लगातार बिच्छू डंक मारेंगे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी उनको बिच्छू डंक मारेंगे। और भैया मौत मांगोगे और मौत भी नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा। जो मसीही यहाँ रह जाएंगे उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, वे बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे, कोई उनको दोबारा लेने नहीं आएगा, क्योंकि वे लोग अपना समय एक लड़की को पटाने में और व्यर्थ बातों में गवाया था। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे वे चिंताओं में और हार्ट अटैक से मर जाएंगे, मगर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह इसलिए जल्दी नहीं आ रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता है मेरे प्रियो कोई भी प्राणी नाश हो, लेकिन हम तो अपना समय एक लड़की को पटाने में गवा रहे हैं, उसको मनाने में गवा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, यीशु का मजाक बना के बैठे हैं कि यीशु है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, कोई है ही नहीं। आपको बहुत महंगा पड़ेगा उस समय मसीह विरोधी के दिन में मेरे प्रियो।
परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है मैं ऐसा ही करते करते यूं ही चला जाऊंगा। यहाँ मसीह विरोधी के हाथ में मत पड़ना, वरना आपका बहुत बुरा हाल होगा। अपना समय इधर उधर मत गवाओ, अपना समय परमेश्वर को दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। वरना आपको तो पता ही है कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी तो क्या हाल होगा उस मनुष्य का? तब हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा, तब आपको उसे अनंत काल की आग में जलना ही पड़ेगा। अभी सुधर जाओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने आप को बचा लो मेरे प्रियो। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, लड़कियों को पटाने में लगे हुए हैं। वे शायद ये भूल गए हैं कि पाप के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाता है, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापियों का बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर, तब वही उस अनंत काल की आग में खूब एक दूसरे को लव यू करना और खूब मिस करना और खूब सेक्स वीडियो देखना। अभी मौका है, संभल जाओ और बचा लो अपने आप को। वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। अगर उसके हाथ में पड़ गए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको छुड़ा नहीं पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर है परमेश्वर। इस वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि लोग अपना मन फिराकर यीशु के पास लौट आए, क्योंकि यीशु के सिवा कोई नहीं है भैया, वही अल्फा ओमेगा और आदि और अंत वही है।